Two insulated copper spheres A and B of identical sizes have charges QA and QB respectively. इस पे चार्ज QA है, इस पे चार्ज QB है. A third sphere C of same size but uncharged is brought in contact with first and then in contact with the second and then finally removed from both. What are the charges on A and B? See, when you bring two bodies in contact, charged, uncharged or both charged, they start sharing charges. Okay? And they share till both the potentials are not same. Like suppose I have an uncharged sphere and a charged sphere. Both should have same potential after they have been touched. ठीक है. So ये after की बात चल रही है, हो चुका काम, potential दोनों की same हो गई. तो अब जो charge होगा वो अलग होगा dash, क्योंकि तो बिना touch किए है ना. अब जो charge है टच करने के बाद वो dash ले लिया upon R, और R लेना है क्योंकि identical size था के क्यू सी डैश था ना अपना. स्टार्टिंग में क्यू सी जीरो है क्योंकि वो अनचार्ज था. चार्ज होने के बाद क्यू सी डैश अपॉन आर कैंसिल. तो देख लीजिए बा एंड में चार्ज दोनों के सेम हो जाने चाहिए. अब एक के पास 10 रुपए थे, एक के पास 0, बाद में दोनों के पास बराबर बराबर, यानी कि 5-5, यानी कि आधा आधा. तो QA डैश ने अपना आधा हिस्सा दे दिया, तो QC डैश के पास वही तो आया जो आधा QA ने दे दिया अपना. अब ये QC डैश QB से टच होगा और फिर से टच होने के बाद दोनों की पोटेंशियल बराबर हो जाएगी. आइए देखते हैं. VB शुड बी इक्वल्स टू VC डैश KQB अपॉन R, आइडेंटिकल साइज है. के क्यू सी डैश अपॉन आर, ये लीजिए कैंसिल. ओके, सो क्यू बी विल बी इक्वल टू क्यू बी डैश, सॉरी, क्योंकि ये टच होने के बाद की बात है ना, टच होने के बाद की बात है. तो ये बात क्यू सी डैश तो टच होने के पहले था, क्यू सी डबल डैश हो जाना चाहिए और ये क्यू बी डैश. तो क्यू बी डैश इज इक्वल्स टू क्यू सी डबल डैश. टच होने से पहले तो QB था, टच होने के पहले QB QB था, टच होने के बाद वो बन गया QB डैश जो हम सॉल्व करना चाहते हैं. टच होने के पहले, इससे टच होने के पहले QC डैश था, आफ्टर टच QC डबल डैश हो गया जो सॉल्व करना चाहते हैं. अब हमारे पास फिर से बराबर बराबर बटेगा. इस बार किसी के पास 10 रुपए हैं, किसी के पास 5 रुपए हैं और दोनों में आधा आधा बटना है क्योंकि देखो बराबर आ गए. टोटल चार्ज क्या है पहले सॉल्व करिए. इसके पास टोटल चार्ज था स्टार्टिंग में QC डैश प्लस QB, ये टोटल चार्ज था. आइए देखते हैं कितना आ रहा है. QA अपॉन 2 प्लस QB, ये टोटल चार्ज इन टच करने से जस्ट पहले था और हमने एंड में निकाला कि जब ये टच हुए तो बराबर बराबर बटा, तो इसका आधा will be QB dash, यानी कि QA by 2 plus QB whole divided by 2, बराबर बटना है. तो QC double dash भी तो यही है. That is the final answer.